Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. आज हम हमारा ये जो इंग्लिश का लिथो है उसमें हम यूनिट नंबर 2 करने वाले हैं. ओके, तो चलो देखते हैं कि हमें क्या करना है. पहले ये जो वर्ड्स है उसको हमें रीड करके रिपीट करना है. L-U-C-K-Y, lucky. B-U-T-T-E-R-F-L-Y, butterfly. T-H-A-N-K-F-U-L, thankful. W-I-N-G-S, wings. M-Y-N-M, myna. S-I-N-G, sing. F-I-S-H, fish. S-E-A-C. W-R-I-G-G-L-E. G-I-G-G-L-E, wriggle and giggle. G-L-E, glee. J-U-S-T, just. T-H-I-N-K, think. E-L-E-P-H-A-N-T, elephant. R-A-I-S-E, race. T-R-U-N-K, trunk. K-A-N-G-A-I-O, kangaroo. T-R-Y, try. H-O-P, hop. R-I-G-H-T, right. M-O-O-N, moon. O-C-T-O-P-U-S, octopus. And E-I-G-H-T, eight. And A-R-M-S, arms. Okay. फिर let's talk. Why does the butterfly like these wings? क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लाई कर सकता है. What can the myna do? Myna can sing. Why is the fish happy? वो wriggle and giggle कर सकती है इसलिए. Why is the elephant thankful? Elephant अपनी trunk के लिए thankful है. What does the kangaroo want to do? Jump. करके वो मून पे जाना चाहता है. Why is the octopus thankful? अपने 8 legs के लिए वो thankful है. Okay. फिर इसमें से write the correct option A, B, C और D in the box. यहाँ पे जो box दिए गए हैं उसमें आपको correct option लिखने हैं. The butterfly is thankful for its wings. D option आएगा. Okay, अभी मैं आपको 2-3 करवाती हूँ, फिर मैं आपको ये फोटो क्लिक करके भेजती हूँ. मेन तो मैं आपको ये सब इंस्ट्रक्शंस है कि उसके क्वेश्चन में क्या करना है, वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके, फिर द ब्लैंक इज थैंकफुल बिकॉज इट्स सिंग. मैना ऑप्शन ए. द फिश कैन, फिश कैन व्रिगल, ऑप्शन नंबर सी. ओके, ऐसे आप लोगों को ये फिल अप करना है. मैं आपको पीडीएफ में सारे फोटोज है वो भेज दूंगी. फिर है ये, यहाँ पे क्या करना है हमें, चलो देखते हैं हम. फिल इन द ब्लैंक्स, तो हमें लिखना है एलिफेंट क्या कर सकता है, फिर बटरफ्लाई क्या कर सकता है. एन एलिफेंट केस राइज इट्स ट्रंक. मैं यहाँ बॉल पेन से लिख रही हूँ, आप सभी को पेंसिल से लिखना है. मैं बॉल पेन से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दे, वरना आप लोगों को अपनी अपना जो लिथो है उसमें पेंसिल से ही लिखना है. ओके, बटरफ्लाई कैन फ्लाई, कैंगरू कैन हॉप, फिश कैन व्रिगल एंड माइना कैन
सिंग. ओके, फिर लुक, लिसन एंड रिपीट. बर्ड्स फ्लाई, बटरफ्लाई फ्लटर, डॉग्स रन, डोंकीज ट्रॉट, डक्स वडल, फिश स्विम, हॉर्सेस ट्रॉट, डोंकीज स्विंग, सॉरी मंकीज स्विंग एंड कांगारूज हॉप. कौन क्या करता है वो हमें यहाँ पर दिया गया है. ओके, फिर हमें यहाँ पे देखना है डोंकीज है वो ट्रॉट करता है, जो वो चलता है ना वो हमें कहा गया है. मंकीज क्या करता है, स्विंग करते हैं. हॉर्स है वो भी ट्रॉट, बटरफ्लाई है वो फ्लटर, फ्लटर बर्ड्स है वो क्या करते हैं फ्लाई, डॉग्स है वो क्या करते हैं रन, डक्स है वो वेडल एंड कांगारूज है वो हॉप करते हैं. ओके, ऐसे आपको ये पेज फिलअप करना है. फिर यहाँ पे फिश का दिया गया है, फिश क्या करती है स्विम करती है, क्या करती है स्विम करती है. फिर देखो यहाँ पे हमें लुक लिसन एंड रिपीट, हेड आई लेग बीक स्विंग ईयर टेल हॉर्न माउथ ट्रंक एंड टस्क ये दिया गया है. एंड यहाँ पे एरोज दिया गया है. नेम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के पार्ट्स यहाँ पे हमें लिखने हैं. तो ये क्या है काउ के सिंग, सिंग को क्या बोलते हैं हॉर्न, HORN हॉर्न. फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप लोगों को अपने लिथो में पेंसिल से ही लिखना है. ओके, फिर ये है ईयर, आई माउथ लेग, ये है हेड एंड ये है टेल. ओके, ये काउ कंप्लीट हो गई. अब यहाँ पे है एलिफेंट, तो यहाँ से शुरू करते हैं. ये है ईयर, ये है हेड, ये है आई, टस्क, ट्रंक, लेग एंड टेल. ओके, अब बारी है पैरट की, लेग आई विंग एंड बीक, बीक यानी कि उसकी जो चोंच होती है वो, एंड विंग यानी कि उसकी जो पंख होती है ना वो. ओके, आ गया सभी को समझ में. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो ये ब्लैंक्स है, एड फुल टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड fill in the blanks. Look at those blank flowers. Color है तो उसके पीछे फूल लगाना है.
colorful. The baby is very play, तो playful, playful. I am blank to be in a good school. मैं thankful हूँ, thank है, तो thankful. okay, ऐसे मैं आपको PDF में सारे answers लिख के दूंगी, आपको ऐसे सभी answers लिखने हैं. फिर यहाँ क्या है, write 5 things that you can do and 5 things you cannot do. Examples, I can read, I cannot cook, I can write, I can eat, फिर I cannot fly, I cannot dance. ऐसे हमें लिखना है. ओके, इन सभी के एंड में हमें फुल स्टॉप लगाना है. आ गया सभी को समझ में? अब हम हमारी ये जो नोटबुक है उसमें रीड एंड राइट, ये आपको राइट करके लर्न भी करना है. बर्ड्स फ्लाई करते हैं, बटरफ्लाई जो फ्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लटर. फिर डॉग्स है वो रन करते हैं, डोंकीज है वो ट्रॉट करते हैं, डक्स वडल, फिश स्विम करती है, हॉर्सेस ट्रॉट, मंकीज स्विंग एंड कैंगारूज हॉप. आपको अपनी बुक में ये 2 टाइम लिखना है, मैंने 1 टाइम लिखा है. आपको 2 टाइम लिखकर इसको रीड करना है, राइट करना है एंड लर्न भी करना है. ओके, आ गया सभी को समझ में? वेरी गुड. तो चलो आज हम हमारा वीडियो यहीं तक रखते हैं. ओके, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ. एंड हाँ, अब फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि आप लोगों को अपने लिथों में पेंसिल से लिखना है. आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दे इसलिए मैंने बॉल पेन से लिखा है. ओके, थैंक यू, बाय बाय.